हलाल उत्पादों पर प्रतिबंध लगने के बाद से प्रयागराज में खाद्य विभाग की लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है। मंगलवार को शहर के कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान हलाल सर्टिफिकेशन वाले फ्रोजन फूड्स को जब्त कर उसके खिलाफ सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत प्रयागराज में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 8 पैकेट मोमोज और 10 पैकेट अन्य फ्रोजन फूड जो कि हलाल सर्टिफाइड को जब्त किया गया है। इस दौरान फूड कॉरपोरेशन एंड ड्रग्स विभाग के अधिकारी ममता सिंह स्वयं मौके पर मौजूद रही। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र के कुन्नू लाल फ्रोजन फूड पर सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां 8 पैकेट माउंट मोमोज की पैकेट और 10 अन्य ऐसी पैकेट बरामद हुआ है जिन पर हलाल सर्टिफिकेशन मार्क लगा हुआ था। इसके बाद इस संस्था को सील कर दिया गया है तथा विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई थी, ऐसे अन्य कार्यवाही लगातार होते रहेंगे। शासन की मंशा के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन मार्क वाले खाद्य पदार्थों को सील किया जाएगा तथा जो व्यापारी इन खाद्य पदार्थों को वितरण करेगा उनके खिलाफ भी आदेश की अधिसूचना की धारा समेत विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेश के क्रम में हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद केवल जाँच की जा रही है, जहाँ पर हलाल प्रोडक्ट मिलते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसी के चलते शहर के कई क्षेत्रों में हलाल प्रोडक्ट को लेकर आगे भी जांच कर छापेमारी की जाएगी। कि आप सभी जानते हैं कि हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं वो यूपी में बैन हो गए हैं 18/11/2023 के आदेश, तो उसी के क्रम में खाद्य विभाग के सभी अधिकारी सक्रिय हैं। और ये कुन्नू लाल फ्रोजन फूड करके ये शॉप है, यहाँ पर फ्रोजन फूड ये सेल करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके यहाँ पिरामिड ब्रांड का मोमोज के पैकेट्स मिले हैं और फन बे का बर्गर मिला है जो कि हलाल सर्टिफाइड लोगों के साथ में ये लोग बेच रहे थे, तो तत्काल प्रभाव से जो भी स्टॉक था इनके पास में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है और आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई। हाँ, नोटिस के साथ ही इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है और आगे मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। आपका ये वो बर्गर का